नमस्कार, मैं हूँ प्यारी लाली और स्वागत करती हूँ आप सभी का लाली की थाली में। मेरे रेसिपी वीडियोस को अंत तक जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए। यहाँ ले रखी है हमने एक मुलायम सी लौकी, जिसको हम बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। भीगी हुई चने की दाल को हम डाल देंगे। लौकी और चने की दाल में हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। पानी की मात्रा आप घटा बढ़ा सकते हैं। डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और हल्दी। जब तक हम इसको उबलने रखेंगे, उसी बीच हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का। यहाँ रेडी हो गया हमारा पेस्ट। अब हम अपनी कढ़ाई को गैस पर रख देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और ढककर इसको चने की दाल मुलायम होने तक पकाएंगे। चलिए ढक्कन हटा के चेक कर लेते हैं चने की दाल पक चुकी है कि नहीं। एक दाना उठाकर देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारी चने की दाल पकी है कि नहीं। यहाँ देखिए, लौकी ने पानी छोड़ दिया है। बहुत ही अच्छे से पक चुकी है हमारी लौकी चने की दाल। पकी हुई दाल निकालने के बाद उसी कढ़ाई में हम डाल देंगे तेल, जीरा, यहाँ आप राई भी डाल सकते हैं। जीरा जैसे ही चटक जाए इसमें हम डाल देंगे तेज पत्ता और जो हमने मसाला पीस के रखा था उससे पहले हम डालेंगे प्याज। इसको अच्छे से भूंजेंगे और फिर डाल देंगे टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट। इसको भी तेल ऊपर आने तक, अच्छे से भून जाने तक इसको भूंजेंगे। इसमें डाल देंगे हम सूखे मसाले, जिसमें है हल्दी, क्योंकि हल्दी पहले भी डाली थी इसलिए थोड़ी सी यूज़ करनी है हमें, गरम मसाला, धनिया पाउडर और नमक। अच्छे से इसको भूंज लेंगे सारे मसालों को और जो पकी हुई लौकी चने की दाल है इसमें डाल के अच्छे से मिलाएंगे और पानी ज़रा सा डालेंगे। ये आप सूखी भी रख सकते हैं या फिर इसमें आप पानी भी डाल सकते हैं। पानी डालने के बाद इसको 5 से 10 मिनट के लिए उबालेंगे। तो लीजिए, यहाँ तैयार है गर्मा गर्म हेल्दी और बहुत ही डिलीशियस लौकी चने की दाल या फिर सब्जी कह लीजिए। खाइए और इंजॉय करिए।